मॉर्निंग। अभी आप देख सकते हैं मैं कहाँ पे आ गई हूँ, मैं आ गई हूँ अपने विलेज पे। अभी तो अभी मॉर्निंग हो चुकी है हमारी, और आज पूरा दिन मुझे सब यहाँ पे क्लीनिंग करना है, और पापा भी यहाँ पर उठ गए हैं तो उसके लिए अभी मैं चाय बना रही हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी चाय बन रही है, और आप विंडो के बाहर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही अच्छा नज़ारा है बाहर का। अभी पीयूष अभी सो रहे हैं, मुझे अभी नाश्ता बनाना है, सब यहाँ पे क्लीनिंग करनी है। आज बहुत सारा धूल मिट्टी वगैरह है तो वो भी अभी साफ करना है, बाद में हमें खेत पे भी जाना है तो वहीं पर भी जाएंगे। और बाहर चिड़ियों की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, तो अभी मैं चाय बना रही हूँ। अभी सनराइज हो चुका है, यहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी सनराइज हो जाता है। अभी 6:30 बजे है लेकिन अभी सनराइज हो चुका है, बर्ड्स बहुत सारे जा रहे, देखो M लिखा हुआ है, इसे दिख रहा है। और ये है हमारी गली, और हमारे घर के पास में ही बिल्कुल पास में मंदिर है ये, जिसे हम चोरा बोलते हैं, वहाँ पे ठाकुर जी विराजमान होते हैं। और ये चिड़िया यहाँ पर, और हमारे घर पे ये ब्लू वाला कपड़ा ढक के रखा है क्योंकि अभी बारिश का मौसम आने वाला है, तो ये सब पैक करके रखते हैं वरना अंदर पानी आता है इसलिए। एक चिड़िया यहाँ पर भी बैठी, चलो उड़ गई, और एक अपने घोंसले में है। आज बना रही हूँ गाठिया, चिली फ्राई कर रही हूँ, जिसका फ्राई बन रही है, और इसको मसाला है। Thank you.
बिल्कुल स्लो आंच पे ही हमें इसको पकाना होता है। सारा बहन के बहुत सारा अभी सब गाठिया मैंने बना दिया है, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब खाने की मेरी बारी है कि टेस्ट करते हैं कैसा बना है। बहुत ही टेस्टी है, जैसे ही नहीं खाना चाय के साथ खाना है। तो अभी मेरी चाय यहाँ पर ठंडी हो गई थी, अभी गर्म हो गई है। इस बार मैं रेसिपी अच्छे से शेयर नहीं कर पाई, लेकिन अगली बार डो रेडी करने की रेसिपी जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन इस तरह के तरीके से बनाएंगे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी बना है अभी, सॉफ्ट सॉफ्ट एकदम। आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिए, हमारे गुजरात की ये फेमस चीज़ है। ब्रेकफास्ट में ज़्यादातर गाठिया खाया जाता है। तो अभी चाय के साथ एंजॉय करते हैं। अभी ये दोनों को ये काम दिया है, मैं तो बोल रहे हंस रहे हैं कि ये नहीं हो रहा, ऐसा काम क्यों दिया है। ये शाम तक होगा। हाँ देखो, आप भी लोग कल वो दीदी के फार्म से लेके आए थे, वो वाली बीन्स ही है। ये तोड़ने में भी उतना ही टाइम लगा है हमें, बहुत ज्यादा टाइम लगा था इस को एक एक तोड़ने में, हार्वेस्ट करने में। तो अभी ये फूलने में भी बहुत टाइम लग रहा है। अभी ये दोनों फार्म से आए हैं, मेरा सब क्लीनिंग सब हो चुका है अभी, तो दोनों को बिठा दिया है मैंने। मेरा सब काम खत्म हो चुका है, झाड़ू पोछा ये सब करने में मेरा मेरा पूरा टाइम इसमें चला गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्लीनिंग करनी पड़ी आज। पापा ने कुछ नहीं किया था, अच्छे से झाड़ू भी नहीं लगाया था इस बार, तो वो सब बहुत टाइम लगा, और इसलिए इस वजह से मैंने इन दोनों को अभी ये दाने निकालने बैठा दिया है दोनों को। अभी बोल रहे हैं कि ये शाम तक हम दोनों करेंगे, फिर भी नहीं होगा। आप दीदी भी ये वीडियो देखेंगे तो उसको भी पता चलेगा कि ये लोग आपकी ये वाली बीन्स है उसको मना कर रहे, पापा बोल रहे हैं कि ये नहीं खानी है इसकी सब्जी, लेकिन ये नहीं करना है। अभी इसकी सब्जी भी नहीं खानी है ऐसा बोल रहे हैं कि ये नहीं फूलना है हमें, लेकिन देखते हैं कितना फूलेंगे। और मैं आप सबको भी दिखाऊंगी कि कितने बीन्स निकाले हैं। और अभी तो मैं फिलहाल ये वाली गवार की सब्जी बना रही हूँ, वो आपको पसंद होगी वैसे ही बनाऊंगी मैं गवार की सब्जी। अभी यहाँ पर मैं मैंगो जूस बना रही हूँ, देख सकते हैं। और सब्जी अभी मेरी बन रही है, और ये ब्लेंडर पे पापा ने प्लास्टिक बैग लगा के उस पे टेप रोल कर दिया है ताकि करंट ना आए, ऐसा जुगाड़ किया है। लेकिन इसमें कुछ खराबी नहीं थी, फिर भी उन्होंने ये पूरा प्लास्टिक बैग लगा के ये कवर कर दिया है। अभी यहाँ पर ये मेरा जूस बन रहा है, उधर सब्जी बन रही है, और अभी इन दोनों का काम अभी भी चल रहा है यहाँ पर। अब रोटी बनाने वाली है, अभी मेरी रोटियाँ बन रही है, सब्जी वगैरह सब बन चुका है, अभी रोटी बना रही हूँ।
दो घंटे के बाद इतना बीन्स निकाला है। एक सब्जी आसानी से बन जाएगी शायद, इतनी बच गई है अभी तो। इसको तो कोई शायद नहीं पील करेगा अभी। नहीं, तुम दोनों हेल्प करोगे ना कि दोपहर के बाद ये सब पील कर दोगे? नहीं, सब्जी मत बनाना, लेकिन अभी नहीं करना है ऐसा। ये खजूरी का पेड़ बोलते हैं, इसमें लगे हैं खलेला, अभी येलो कलर के हैं। बारिश होगी तो पकेंगे, ब्लैक हो जाएंगे। बहुत ही मीठे होते हैं, डेट्स बोलते हैं हम, खजूर जो होता है उतने चीज़ मीठे होते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं। अब इवनिंग हो चुकी है और मैं और पीयूष हम दोनों उसके फ्रेंड के फार्म पे गए। वो लोग भी अभी सूरत से आए हैं और उसके पापा की अभी डेथ हो चुकी थी, तो 10-15 दिन हो चुके हैं अभी। और इस वजह से हम दोनों उसको मिलने के लिए गए थे। अभी कोरोना की वजह से कोई एक दूसरे के घर पे तो नहीं जाता, लेकिन हम उसको सीधा फार्म पे मिलने के लिए गए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमें कुछ मोटिवेशन मिले और आपका सपोर्ट भी मिले। थैंक यू सो मच।